हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग रहने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम क्या था? वर्चुअल। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम यहाँ पे बड़ाई गर्मी लिख देते हैं, वर्चुअल। इसका दूसरा नाम क्या था? वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को ही वर्चुअल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपना लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है? मोर देन टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइन होता है एक साथ। एक साथ हम दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम डायग्राम में लिए थे उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्लास ए नाम का क्लास ए को डिफाइन कर दिए हैं और यहाँ पे हम उसको कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। प्रॉपर्टी में बस प्रिंट करवा देते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं, void डिस्प्ले वन करके, डिस्प्ले वन। ओके, और यहाँ पे हम बस उसको प्रिंट करवा देते हैं क्लास ए करके, सी आउट, और यहाँ पे क्लास ए, क्लास ए, और उसके बाद इंडेल हो गया। तो ये क्लास ए हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे सेम कॉलम भी लगेगा। अब सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, क्लास बी डिफाइन करेंगे। चलिए क्लास बी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी, और यहाँ से क्लास बी कर देते हैं इसको, क्लास बी। और यहाँ पे डिस्प्ले वन है तो इसको हम डिस्प्ले टू कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं क्लास बी को तो क्लास बी कर देते हैं। ओके, तो ये क्लास बी हमने कर दिया, क्लास ए और क्लास बी। और उसके बाद हम एक और डिफाइन करते हैं क्लास सी। उसके बाद यहाँ पे हम इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंबाइन करेंगे। तो अभी बस हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, बस क्लास सी डिफाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी हम यहाँ पे डिस्प्ले थ्री कर देते हैं और यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं सी को। ओके, तो ये क्लास सी हो गया। उसके बाद क्लास डी करते हैं, क्लास डी कर देते हैं गाइस, आओ क्लास डी। फिर यहाँ पे डिस्प्ले फोर कर देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा देते हैं डी को। ओके, एक और डिफाइन कर लेते हैं क्लास डी के बाद, ई कर लेते हैं क्लास ई, और यहाँ पे डिस्प्ले फाइव कर देते हैं इसको, और उसके बाद इसको हम ई कर देते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्लास ए मेरा है, तो क्लास ए जो मेरा है क्लास ए को इनहेरिट करेगा क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए ए को इनहेरिट करेगा क्लास बी और क्लास सी। तो क्लास ए और बी को हम यहाँ, बी और सी को क्या करते हैं, इनहेरिट करवाते हैं क्लास ए को। इनहेरिट करवाने के लिए कॉलन, उसके बाद मोड, उसके बाद क्लास का नाम। तो ए को इनहेरिट कर लिया ये। अब क्लास सी को भी इनहेरिट करवा देते हैं, तो क्लास सी इनहेरिट करेगा क्लास ए के प्रॉपर्टी को, तो क्लास ए। तो ए के जो, ए क्लास जो मेरा था ए बेस क्लास, उसको क्या किया, बी इनहेरिट किया और सी इनहेरिट किया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास डी जो मेरा है, क्लास डी जो हमने डिफाइन किया है, या फिर ऐसे करिए यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में लिए थे वैसे ही लेते हैं। तो डायग्राम में जैसे लिए थे वैसे लेने के लिए क्या करते हैं, इसको हम, इसको नीचे करना पड़ेगा और उसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम में जैसा लिया था वैसा ही कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए नीचे करना पड़ेगा और इसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो क्लास हमने क्या किया, ए डिफाइन किया है, तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी और क्लास सी। क्लास सी इनहेरिट कर रहा है, और एक हमने बनाया है क्लास डी, तो क्लास डी को इनहेरिट करेगा कौन, क्लास डी को इनहेरिट करेगा कौन, क्लास ए, सॉरी क्लास जो इधर था कौन सा था, क्लास, क्लास डी को इनहेरिट करेगा क्लास सी, क्लास डी को इनहेरिट करेगा क्लास सी। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं जैसे हम क्या करना चाहते हैं। हाँ जी गाइस, डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या आपको मुंडी से नहीं दिख रहा होगा तो इसको इधर कर देते हैं गाइस, अब दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो उल्टा सीधा लिया गया, बस इसी टाइप से करने वाले हैं। क्लास एफ की जगह पर क्लास ए है मेरा, क्लास बी और क्लास सी है, और जी के जगह पर क्लास डी है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास जो मेरा क्या है, क्लास ए, इसको यहाँ पे हम चेंज करते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा ए बी सी डी में। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया है। नाम में क्या है, हमने ए बी सी और यहाँ पे क्लास डी, उसके बाद ई और उसके बाद एफ, इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाम इसका कर दिया है। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा, क्लास ए को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ए को मेरा बी इनहेरिट कर रहा है और सी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास ए को हम इनहेरिट कराते हैं बी और सी से। तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है कौन, बी और सी। तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है बी और सी। तो यहाँ पे क्लास ए है, इसको इनहेरिट कर रहा है बी और क्लास सी, तो दोनों को इनहेरिट करवा दिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्लास डी को इनहेरिट कर रहा है कौन, ये जो लिखे हैं हम वो देखिएगा, क्लास डी को इनहेरिट कर रहा है क्लास सी। तो क्लास डी को इनहेरिट करवा देते हैं हम सी से। तो क्लास डी को इनहेरिट करवाते हैं सी से। तो यहाँ पे सी में एक और क्लास डी इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर से पब्लिक, और यहाँ पे हम इनहेरिट करवा देंगे क्लास डी को। ओके, क्लास डी को भी इनहेरिट कर लिया। उसके बाद आते हैं अगला पे, क्लास ई पे। तो
क्लास ई को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई में कौन इनहेरिट कर रहा है, बी इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ई में हम बी को इनहेरिट करवाते हैं, तो क्लास ई में हम इनहेरिट करवाते हैं बी को, तो यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे फिर, और उसके बाद इसको इनहेरिट करवाते हैं बी को, तो क्लास बी को इनहेरिट करवा दिए। एक और मेरा है एफ, तो एफ को इनहेरिट करवाना है कौन, एफ को भी बी इनहेरिट कर रहा है, तो सेम चीज को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका बस नाम चेंज कर देंगे, क्लास ई की जगह पर कर देंगे क्लास एफ, तो ई की जगह कर देते हैं एफ, क्लास एफ, और यहाँ पर ही डिस्प्ले 5 को कर देते हैं डिस्प्ले 6, और यहाँ पे ई की जगह पर देते हैं एफ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जब बन चुका है, ओके हाइब्रिड इनहेरिटेंस मेरा क्या होगा, ये बन चुका है, तो बन चुका है, तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस इस प्रकार से, यहाँ पे देखिएगा क्लास, यहाँ पे जो मेरा है क्लास सी किसको किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी जो मेरा है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं, तो क्लास यहाँ पे देखिएगा किसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, तो सारा को इन्हें कर सकते हैं एक्सेस। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं क्लास ई का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर क्लास एफ का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास एफ का अगर ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आप किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं, बी को एक्सेस कर सकते हैं, एफ को एक्सेस कर सकते हैं, ओके बी को एक्सेस कर सकते हैं और एफ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ए यहाँ पे ई और एफ दोनों का बनाइएगा तो आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा, और क्लास ई का बनाइएगा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आप जो मेरा क्या क्लास यहाँ पे जो सी है, अगर सी का बनाते हैं तो ये जो है ये वाला ध्यान दीजिएगा, जो मेरा सी का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ए और डी को एक्सेस कर सकते हैं, तो सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेरा एग्जाम्पल हो गया बस, यहाँ पे आप रन करवाने का काम कर रहे हैं, तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी वन, तो सी वन जैसे ही किए तो सी वन से हम दो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, तो सी वन डॉट एक तो खुद का इसका एक्सेस कर सकते हैं जो सी वन अभी जो हम क्लास सी को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद डिस्प्ले 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद एक और को एक्सेस कर सकते हैं जो कि है डिस्प्ले 4, इतना क्लास इतना फंक्शन को हमने एक्सेस कर लिया सी के मदद से। उसके बाद ये इतना इतना का काम हो गया, अगर हम एफ बनाते हैं क्लास एफ का, तो उसको से बी से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एफ का बनाते हैं ऑब्जेक्ट आओ, तो क्लास एफ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं गाइस, तो क्लास एफ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं F1, ओके तो F1 से हम दो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, F1 डॉट एक उसका खुद का, एक खुद का उसका डिस्प्ले 6 को, और उसके बाद F1 डॉट जो मेरा था उसके 2 को एक्सेस कर सकते हैं, ओके और एक 1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 1 को हम ऊपर में ही एक्सेस कर लिए इसलिए फिर से वहाँ पे एक्सेस नहीं करेंगे, या फिर करवा देते हैं ताकि पता चले हम कौन कौन सा क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ओके तो एक और बच जाएगा मेरा कौन, एक और बच जाएगा जो इधर कोना में है ये ई, क्लास ई बच जाएगा, तो चलिए क्लास ई का भी ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं, एक और बच जाएगा क्लास ई, तो क्लास ई का ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं E1, ओके अब E1 से कॉल करवा देते हैं E1 डॉट ओ माय गॉड E1 डॉट यहाँ पे नहीं यहाँ पे E1 डॉट E1 डॉट से हम 5 को एक्सेस कर सकते हैं, ओके क्लियर हुआ, ओके गाइस क्लियर हो ही गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा गाइस, तो यहाँ चलिए इसको रन करवा के अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, ओके तो इस तरीका से हम क्या करेंगे अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये बस समझने के लिए था, बस एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए जो इस प्रकार से हम करते हैं, ओके यहाँ पे आउटपुट देखिए आ चुका है मेरा, ये रहा मेरा क्या ऊपर में 3 क्लास को कौन सा एक्सेस कर रहा है, वो C1 और इसको ये सबको एक्सेस कर रहा है ए सी और डी को, उसके बाद F1 एक्सेस कर रहा है ये 3 को, एफ बी और ए को, और उसके बाद ये जो है ई, ये मेरा ई वाला क्लास का है, ओके तो आई होप आपको ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा है? तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे गाइस हम डायमंड प्रॉब्लम कैसे अराइज करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा डायमंड प्रॉब्लम होने वाला है।